Good morning, welcome again. This is a SYRO tech training, product training, and अभी हम जो launch कर रहे हैं product, वो splicing machine है. Splicing machine के दो segment हैं. First एक core to core और एक clad to clad, right? तो सबसे पहले हम बात करेंगे clad to clad splicing machine की, कि clad to clad कैसे काम करता है और core to core कैसे काम करता है, right? SYRO tech के पास दो model हैं. Cyrotech 64L जो कि हम क्लैट टू क्लैट जिसमें चार मोटर होती है वो कर रहे हैं. सेकेंडरी दूसरा है हमारे पास Cyrotech 66C जो कि कोर टू कोर मशीन है, इसके अंदर छह मोटर होती है. अब बात करेंगे कि स्प्लाइसिंग मशीन कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, उसके साथ क्या एसेसरीज आती है, उसके बारे में. दोनों मशीन ये Cyrotech है, और मशीन कहाँ यूज होती है, उसके साथ क्या एसेसरीज आती है, वो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट किसी मशीन का क्लीवर. अगर आपको फाइबर कट करना है, अगर वो उसको 90 डिग्री पर कट करना है, प्रॉपरली एक एंगल देने के लिए क्लीवर का यूज होता है. दिस इज द क्लीवर. क्लीवर में ब्लेड्स होते हैं, प्रॉपर स्पेस होता है कट करने के लिए. सेकेंडरी आपका स्ट्रीपर, अगर आपको फाइबर स्ट्रिप करनी है, फाइबर को क्लीन करना है स्ट्रिपिंग करने के लिए बिफोर क्लीविंग, तो आपको स्ट्रिपिंग करनी होगी. उसके बाद आपका ये ड्रॉप केबल स्ट्रीपर, ड्रॉप केबल का आउटर कवरिंग हटाने के लिए स्ट्रीपर काम आता है. मशीन के साथ ये इलेक्ट्रोड्स आते हैं, एक पेयर इलेक्ट्रोड्स होता है. किसी भी मशीन के साथ दो इलेक्ट्रोड्स पेयर के होते हैं, आपका एक जो ऑलरेडी मशीन के अंदर लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोड ऑलरेडी लगा हुआ है एक पेयर, और एक पेयर और एक्स्ट्रा आता है मशीन के साथ में, जिसको लेना ना भूलें कभी भी. इसके बाद आपका एडेप्टर्स जो कि पर्टिकुलर इसी मशीन के अकॉर्डिंग होगा, और आपका कूलिंग ट्रे. अब ये कूलिंग ट्रे कहाँ पर यूज होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. बाकी क्लीनिंग, अगर आपको अपनी जस्ट क्योंकि हम फाइबर जब स्ट्रिप कर रहे होते हैं तो कुछ फाइबर गिर जाती है, उसको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग है, क्लीनिंग के लिए है. मशीन कैसे यूज करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्प्लाइसिंग होती है, वो अब मैं आपको बताऊंगा. साथ में मशीन के फीचर्स क्या क्या हैं, राइट? तो ये मेरी फाइबर, बहुत बारीक होता है फाइबर, ये मैंने उठाया, देख सकते हैं आप. मैं इसको पहले स्ट्रिप करूंगा, देखिए मैंने एक एंगल पर आकर इसको स्ट्रिप किया. जो क्लैडिंग वाला पार्ट है वो मैंने इसको हटा दिया है और इसको मैंने क्लीन कर दिया. अभी मेरा अब पार्ट आता है मेरा स्ट्रिपर का, अब पार्ट आता है क्लीवर का, कि क्लीवर से इसको 90 डिग्री कैसे कट करना है. ये मैंने फाइबर को लिया, मैंने फाइबर को लिया, अब मैंने इसको रख दिया है, फाइबर को एट दैट प्लेस कर दिया है मैंने, इसको रखा. देखिए सेम एज लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मुझे लॉक पहले ओपन करना होगा. बैक मैंने किया, फाइबर कट चुका है, और फाइबर को हाथ से ना पकड़ें, क्लीन करने के बाद ही पकड़ें, बिकॉज फाइबर मैंने यहाँ पर देखिए प्लेस कर दिया है फाइबर को, और मैं इसको लॉक कर देता हूँ. एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है. अब मैं दूसरा फाइबर लूंगा, दूसरे फाइबर को क्लीन करूंगा. मैं फिर से कट करूंगा, देखिए ऑलरेडी लॉक लगा हुआ है. फाइबर को मैंने प्लेस किया एंड देन ये कट हो गया. कट ऑलरेडी देखिए दिखा होगा आपको, कट हो चुका है. परफेक्ट कट होना बहुत जरूरी है. इसको फिर से प्लेस करूंगा मैं, ये देखिए मैंने रख दिया है इसको, और राइट. अब मैं इसको देखिए इसमें लाइटिंग दिया हुआ है, जो कि अगर आपको नाइट में काम करना है तो वो भी कर सकते हैं. अभी देखिए मैंने दोनों फाइबर को प्लेस कर दिया है, वी ग्रुप्स हैं. मैं इसको बंद करूंगा, ये फाइबर का दिखाएगा, देखिए दोनों फाइबर को दिखाया. अभी अलाइन कर रहा है इस समय पर, ये चारों मोटर्स अलाइन कर रही हैं उसको. देखिए अलाइनिंग हो चुकी है, लॉसेस देखिएगा 0.01 dB आ रहा है. बहुत सारी मशीन मार्केट के अंदर ऐसी हैं जो कि 0 dB लॉसेस दिखाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़ टूटने के बाद 100% जुड़ जाए, स्पेशली फाइबर. कुछ ना कुछ लॉसेस उसके अंदर होंगे ही होंगे. आप देख सकते हैं ये फाइबर जुड़ चुका है इस समय पर.
अब हम इसमें फाइबर में करेंगे हीटिंग करेंगे। मैंने फाइबर स्लीव इसके अंदर डाल दिया है। फाइबर स्लीव का प्रयोग इसलिए करते हैं, इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिससे कि मरीज में स्ट्रेंथ मिल सके। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा हीटर है। अब देखिए मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। फाइबर को प्लेस कर दिया, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, हीटर मोड एक्टिवेट हो चुका है, इसके अंदर हीटिंग स्टार्ट है। जब तक मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोड्स इसको जरूर यूज़ करें, एल्कोहल को, फाइबर ड्यूरिंग फाइबर क्लीनिंग, राइट। जब हम फाइबर को क्लीन करें तो एल्कोहल का इस्तेमाल जरूर करें। हमारे पास दो टाइप के क्लीवर हैं, एक क्लीवर ये है, एक क्लीवर ये है। अभी कंप्लीट हो चुकी है, हीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ओपन करूँगा, लाइट इंडिकेट बंद हो चुका था, देखिए। और ये जो है कूलिंग ट्रे, ये यहाँ पर लगी होती है क्योंकि ये गर्म है इस समय पर, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा क्योंकि हाथ पर चिपक भी सकता है। इस समय कूलिंग ट्रे दी गई है कि इसको कूल कर सके। और ये आपकी स्प्लाइसिंग कंप्लीट, आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर एक अच्छी स्प्लाइसिंग, राइट। अब मैं मशीन के बारे में बता देता हूँ कि मशीन के फीचर्स क्या क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। स्प्लाइसिंग टाइम जो क्लैड टू क्लैड मशीन का है वो 6 सेकंड है, हीटिंग टाइम 15 सेकंड है, और जो जूम जो आपको फाइबर रिप्लेस करने के बाद जो जूम कैमरा दिखाता है, बेसिकली ये कैमरा बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है स्प्लाइसिंग मशीन, तो मैग्निफिकेशन 500x होता है। ऑलरेडी ये टच बेस्ड काम करती है, टच मशीन है पूरी की पूरी, स्क्रीन इसकी टच है, 5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है टच स्क्रीन के साथ में। इसके अंदर एक्टिव वी ग्रुप दिखे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो बैटरी कैपेसिटी है क्लैड टू क्लैड मशीन की वो 5200 mAh 5200 mAh है, और लगभग ये 280-250 स्प्लाइसिस एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद कर सकती है। मैं मशीन के बारे में बताऊंगा कि मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और इसका कंपैरिजन अदर मशीन्स के साथ कैसा कैसा होता है। मैं पहले अपनी मशीन के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं इस मशीन को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए जनरली जब मशीन को हम यूज़ करते हैं इन द फील्ड, तो व्हाट हैपन, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो क्लीवर को यहाँ रख के काम करते हैं जनरली इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मशीन्स के अंदर ना यहाँ पर लेंसेज लगे होते हैं, मिरर लगे होते हैं। तो मिरर क्या है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। जब ये मिरर का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो मशीन अपना 100% रिस्पॉन्स नहीं देगा। देखिए इसके अंदर स्पेस दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ रखकर काम करता हूँ तो इसकी एक्यूरेसी के ऊपर या उसके लेंसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कैमरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी चीज, बहुत सारी मशीन्स के अंदर जैसे मैंने बोला ये मशीन लो मेंटेनेंस मशीन है। लो मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपका मशीन का मेंटेनेंस कम से कम होना चाहिए। अगर मशीन का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है तो मशीन को आपको बार बार रिपेयरिंग सेंटर, बार बार सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। जनरली मशीन्स के अंदर रबर पैड्स होते हैं, इस मशीन के अंदर रबर पैड्स नहीं दिए गए क्योंकि वो भी एक कंज्यूमेबल पार्ट है। जब हम फाइबर को रखते हैं तो वहाँ पर निशान बन जाता है और एक्यूरेसी नहीं आ पाती है कुछ समय के बाद, लेकिन इसके अंदर ये है ही नहीं। दूसरा एक्टिव वी ग्रूव, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि एक्टिव वी ग्रूव है। देखिए ये चार मोटर है तो चारों अपने सभी एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अंदर ये करती है मशीन। इसके बाद हीटिंग का पॉइंट, नाइट विजन दिया हुआ है ऑलरेडी कि नाइट विजन है। इस मशीन को आप ऑटोमेटिक मोड पर भी काम कर सकते हो, इस मशीन को आप सेमी ऑटोमेटिक भी बना सकते हो। सेमी ऑटोमेटिक होता है कि आप इसको ऑटोमेटिक फ्लैप अगर डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, या इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो, या इसको आप फुली मैनुअल भी बना सकते हो कि आपको ऑटोमेटिक की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको सारे बटनों से काम करना है इसमें, ये इस तरीके से दिया गया है। 5200 mAh की बैटरी इस मशीन की है जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है किसी मशीन के लिए। सबसे बड़ी बात कि बहुत सारी मशीन्स के अंदर कहते हैं कि लाइफ जो है इलेक्ट्रोड की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रोड की लाइफ हमारी मशीन की लगभग 4000 के आसपास है। अब बहुत सारी मशीन्स में क्या होता है कि कहते हैं कि 4000 के आसपास लाइफ है या 5000 के आसपास लाइफ है, तो जनरली
जब मैं स्प्लाइस कर रहा होता हूँ, एक बार स्प्लाइस कर रहा होता हूँ, तो एट ए टाइम मेरा हीटर भी यूज हो रहा होता है. तो हीटर यूज होने की वजह से आपका बैटरी डाउन हो गया, बैटरी कंज्यूम हो गया. एक बार स्प्लाइस आपने किया तो हीटर यूज हुआ और स्प्लाइसिंग हुआ. जब मैं उसको फाइबर को उठा के हीटर पर रखूंगा तो एट ए टाइम मेरा स्प्लाइस का स्पार्क हो रहा होगा. इसका मतलब यह हो गया कि आपकी जो स्प्लाइसिंग है वो एक टाइम में करने पर दो बार यूज हुआ. तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी आपकी इलेक्ट्रोड की लाइफ 1000 है तो वो 500 हो जाएगी, अगर 4000 है तो वो 2000 हो जाएगी. तो ऐसा मशीन के अंदर नहीं. इसमें एट ए टाइम जब इसको यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज करना है तो इसको यूज कर सकते हैं, और दोनों को एक साथ यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं. इट्स द फीचर्स ऑफ द मशीन. ये आपके इलेक्ट्रोड की लाइफ भी सेव करेगा, आपकी बैटरी की लाइफ भी सेव करेगा. आज मैंने जो बताया आपको क्लेट टू क्लेट मशीन के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल आपके पास आएगा जिसमें मैं आपको कोर टू कोर मशीन के बारे में बताऊंगा कि कोर टू कोर मशीन कैसे काम करती है 6 मोटर के साथ और क्लेट टू क्लेट मशीन कैसे काम करती है 4 मोटर के साथ. बेसिकली जो डिफरेंस है दोनों मशीन के अंदर क्लेट टू क्लेट या कोर टू कोर में वो लॉसेस का होगा. क्लेट टू क्लेट में लॉसेस थोड़े से ज्यादा आते हैं इन कंपेरिजन ऑफ कोर टू कोर. कोर टू कोर के अंदर लॉसेस काफी कम होते हैं इन कंपेरिजन टू क्लेट टू क्लेट.